फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल विनय साहू को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यह है क्लास टेंथ का हाई स्कूल एग्जामिनेशन सन 2017। इसमें पेपर का कोड दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 26, टोटल नंबर 16। इसी तरह पेपर का सीरियल नंबर दिया गया है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 है। मैथमेटिक्स पेपर है, गणित का हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है। टाइम 3 घंटे दिए गए हैं और यहाँ पर सभी प्रकार के निर्देश दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ। ये इसमें सोल्यूशन भी दिया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिलहाल अभी ये NCERT हो चुका है, जो कि कोर्स चेंज हो चुका है इसमें 2018 से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पिछले 2017 का है। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है जब a1 upon a2 ≠ b1 upon b2, तो समीकरण का a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0, इसका आंसर होगा डी का अद्वितीय हल होगा। ये इसी तरह इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये MPBoard का है, मैं बोलूँगा तो इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, आप जो है तो देख लें। और इसका टिक इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें दूसरे का पहला होगा 3। इसी तरह इसमें वर्ग समीकरण का व्युत्पन्न कर है b² - 4ac, सही व्युत्पन्न होते हैं समरूप। इसी तरह इसमें जो है तो पांचवें का दिया गया है वृत्त के चाप, चाप द्वारा केंद्र बने कोण तथा उसकी त्रिज्या में संबंध है, डी होगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसमें इसी तरह इंग्लिश में दिया गया है, इसमें लिखिए लिखित में सत्य सत्य लिखिए। अब इसमें पहले का बीजीय व्यंजक x² + x√x बहुपद है, ये असत्य। शिक्षा उपकर अप्रत्यक्ष कर है, ये सत्य है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, इसमें 360 दिया है इसलिए यह असत्य है। तनाव के सभी चारों विकर्ण बराबर होते हैं, सत्य है। 7, 8, 9 का समांतर माध्य 9 है, ये असत्य है। इसको हम 3 देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रेखीय बहुपद ax + b = 0 - b/a है। इसी तरह इंग्लिश में दिया गया है 0 of a linear polynomial ax + b = इसमें दूसरा देखिए, किस्तों में दी गई राशि हमेशा वस्तु के नगद मूल्य या नगद भुगतान की राशि से अधिक रहती है, इसमें अधिक होगा। इसी तरह इसमें देखिए, तीसरा त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं, इस तरह इंग्लिश दिया है गया है 3 meridians of a triangle। और चौथा देखिए, किसी वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं या समान, किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। इसी तरह इंग्लिश में दिया गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। इसी तरह यहाँ पर चौथा दिया, प्रत्येक का एक शब्द ऑब्लिक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो 9:25 का वर्ग अनुपात क्या होगा, 85:625। इसमें दूसरा व्यवसायिक कर की परिभाषा लिखिए, तो इसका आंसर है शासकीय कर्मचारियों को अपने वेतन के अनुरूप कुछ राशि शासन को कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में देनी पड़ती है, यह कर व्यवसायिक कर कहलाता है। तीसरा देखिए, वृत्त की अवधारणा किसे कहते हैं, तो वृत्त में चाप और चापकण द्वारा घेरा गया क्षेत्र जिसमें चाप और चापकण दोनों सम्मिलित हैं, वृत्त की अवधा कहलाती है। इसी तरह चौथा देखिए, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो इसमें वस्तु की दृष्टि रेखा वह रेखा जो हमारी आंख से वस्तु जिसे हम देख रहे हैं उसको जोड़ती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। इसी तरह खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए, तो 2π r1 + r2 h + 2π r1² - r2² दोस्तों मैं आपकी मदद के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अधिक से अधिक अच्छे मार्क्स प्राप्त हो पाएँ और आप अच्छे से इसको तैयार जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से जो त्रिकोण ट्रिग्नोमेट्री से आपका 5 नंबर का सही जोड़ी में आता है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ 5 में देखिए, स्तंभा 10 90 - θ cos θ होगा, इस त्रिकोण -sec θ cos θ होगा 10 90 degree infinity, sin θ cos θ 1, और यहाँ पर sin θ का होगा √1 - cos²θ। ऐसे में कॉलम इंग्लिश में दिया गया, मैच द करेक्ट कॉलम। इसी तरह यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 6 है, भुजा कोण भुजा समरूपता के अभिलाक्षी गुणधर्म लिखिए अथवा त्रिभुज की समरूपता के लिए कौन कौन से प्रतिबंध हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, दो त्रिभुजों में भुजाओं तथा कोण के माप निम्नानुसार हैं, दिखाइए कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप हैं या नहीं, जबकि AB = 6 cm, AC = 5 cm, कोण A = 60° PQR = 6 cm, PR = 7.5 cm, कोण P = 60°। इसी तरह अथवा में दिया, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय प्रमेय का विलोम कथन लिखिए। 8वां है, जांच कीजिए कि क्या 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं अथवा समरूप एवं समरूपता के क्या अर्थ है। दोस्तों अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो, यहाँ पर एक 3 डॉट आएगी, उस पर टैप करें और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करके 360 पिक्सल से अधिक कर लें। मैं इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहां से आप देख सकते हैं सही प्रकार के क्वेश्चन। बोलने में अगर मैं बोलूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यहां पर आप देख लें।
ये प्रश्न 12 है, अथवा दिया गया है ये दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृद्धि के जीव पर लंब डाला जाए तो जीव को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2019 में भी आया है अभी फिलहाल। ये प्रश्न 14 है, निर्वाहकर सूचकांक के कोई तीन उपयोग लिखिए, 3 नंबर का है। प्रतिस्थापन विधि, दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, मैथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण को सॉल्व करें, क्योंकि साला सब कुछ उदाहरण से उठाया गया है। 60% वेटेज जब उदाहरण का हो गया है, इसलिए आप उदाहरण को अवश्य तैयार कर लें, जरूर से जरूर तैयार कर लें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। यहाँ पर आप देख लें कि उदाहरण के दिए गए हैं, अधिक से अधिक उठाए गए हैं उदाहरण से। यहाँ पर दिए गए सभी प्रकार के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न 23 है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।